देखिए, हर साल हर बार मौका दिवाली का हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर जवानों के बीच ना पहुंचे ऐसा मुमकिन नहीं। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचने वाले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कहां होगी, तस्वीर साफ नहीं है। पहले ये खबर आई कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सेना के 191 ब्रिगेड के साथ दिवाली मनाएंगे। अब खबर है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की चीन से लगती सीमा का दौरा कर सकते हैं। वंदे मातरम का नारा होगा, भारत मां का जयकारा होगा। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ होंगे, मां भारती के दीवानों के बीच होंगे। दो हजार 2014 में देश की कमान संभालने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिवाली का मौका हो और प्रधानमंत्री जवानों के बीच ना पहुंचे हों, उनके साथ दीपावली की खुशियां ना साझा की हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 से ज्यादा के कार्यकाल में यह 10वां मौका है जब दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचने वाले हैं। हालांकि इस बार एक बात दिवाली के पिछले 9 पर्व से अलग है और वो ये कि अब तक ये तय नहीं हुआ है कि इस दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सरहद पर होंगे, किस सेना की टुकड़ी के साथ होंगे। दरअसल पहले खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अब आई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अखनूर दौरा कैंसिल हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली पर हिमाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में चीन बॉर्डर का दौरा करने की भी संभावना जताई जा रही है। सरहद या फिर यूं कहें कि जगह भले ही तय ना हो, टाइम टेबल भले ही सामने ना आया हो, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली जवानों के साथ ही होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री देश के किसी बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने पहुंचे। जम्मू कश्मीर में एलओसी का नजारा बदल गया है। पुंछ में एलओसी पर तैनात जवान अलग ही अंदाज में दिवाली का पर्व मना रहे हैं। यहां अध्यात्म के गीत हैं, संस्कृति का संगीत है। रोशनी के पर्व के उल्लास में डूबे सैनिकों के हाथ में फुलझड़ी है, चेहरे पर चमक है और विश्वास के रोशनदान चमक रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए जवानों ने संदेश दिया है, देश के असंख्य लोग निश्चिंत होकर दिवाली मनाएं, वो है ना सरहद की रक्षा के लिए। हम एलओसी बॉर्डर पे काफी चुस्त और अपनी मुस्तैदी से यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हैं और अपना देशवासी जो सभी हैं अच्छे ढंग से और एकदम हर्षोल्लास से दीपावली मनाएं और हम यहाँ पर बॉर्डर पर आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात यहाँ पर तत्पर हैं। परेशानी या किसी लड़ाई के लिए हम 24 घंटा तैनात रहते हैं। अगर देशवासियों के लिए क्या संदेश है? देशवासियों के लिए ये संदेश है कि आप सुरक्षित हैं, हम एलओसी तैनात हैं। सभी देशवासियों के लिए हम भारतीय सेना के पुंछ सेक्टर पर आखिरी पोस्ट पर तैनात हैं, इसलिए कि हमारे सभी देशवासी अपने घर में सुरक्षित त्यौहार मना सकें। सीमा पर मौजूद कितने ही जवान हैं जो अपने घर से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, लेकिन देशभक्ति के जज्बे के साथ सरहद पर सीना ताने खड़े हैं। शायद इस मनोबल को बढ़ाने के लिए हर साल दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद पर जाते हैं, जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। और
देखिए, ऐसा नहीं है कि देश की कमान संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री दिवाली मनाने के लिए जवानों के बीच जा रहे हों और ये पहला मौका हो। ये पुराना सिलसिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के जब सीएम थे तब उन्होंने भुज में जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह सिलसिला कायम रहा। 2014 से लेकर के अब तक दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार जम्मू कश्मीर, 2 बार लद्दाख, 1-1 बार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। ये तस्वीरें 2014 की हैं। तारीख थी 23 अक्टूबर। देश की कमान संभालने के बाद पहली दिवाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में दिवाली मनाने पहुंच गए। प्रधानमंत्री के इस कदम से सियाचिन में तैनात हर सैनिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच, ये श्वेत चद्दर के बीच न कोई दिया जलाने की संभावना है, ऐसी दुर्गम परिस्थिति में अपने आप को खपा रहे हैं, अपनी जिंदगी देशवासियों की खुशी के लिए न्योछावर कर रहे हैं। एक ही मंत्र को लेकर के, भारत माता की जय, यही आपकी प्रेरणा। मैं समझता हूं सब देशवासियों के लिए आपके प्रति जो गौरव का भाव है, उसका मूल कारण हर पल देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये आपका जीवन संदेश रहा है। ये पहली बार था जब कोई प्रधानमंत्री दिवाली के मौके पर जवानों के बीच पहुंचा था। इसके बाद तो एक सिलसिला चल निकला। 2015 में दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब से लगती पाकिस्तान सीमा पर पहुंचे। 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल का दौरा किया, युद्ध की यादें साझा की। भारत माँ के वीरों ने 1965 में अपने रक्त से सींचा है। आज मैं डोगराई की उस धरती पर हूँ जिसने युद्ध में एक नया इतिहास बनाया था। हमारे अनेक जवानों ने अपने रक्त से इस विजय को 4 चांद लगा दिए थे। मुझे खुशी हुई कि युद्ध में जिन्होंने हिस्सा लिया था, वैसे कुछ वीर नायकों को आज मुझे यहाँ मिलने का अवसर मिला। जाहिर है, जब प्रधानमंत्री ने अपने परिवार को छोड़ देश के वीर सपूतों को अपना परिवार मान लिया है, तो फिर खुशी का मौका हो और प्रधानमंत्री शरीक न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर का दौरा किया। यहां अलग ही अंदाज में जवानों का हौसला बढ़ाया। करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने इस बार दिवाली का दिया जवानों के नाम पर जलाया। पूरे देश में ऐसा माहौल, आप तो यहां इतने दूर है, अंदाज तक नहीं होगा क्या चल रहा है। पूरी दिवाली देश के सुरक्षा बलों के नाम समर्पित हो, बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हो, खिलाड़ी हो, क्रिकेट जगत के सितारे हो, वैज्ञानिक हो, व्यापारी हो, किसान हो, सरकारी अफसर हो, बाबू हो, मुलाजिम हो, राजनेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, स्थानीय काम करने वाला संतरी हो, सब कुछ, हर एक के दिल दिमाग में जब दिया जला रहा था तो आपका चेहरा उसको दिखाई दे रहा था। 2016 में प्रधानमंत्री ने किन्नौर की धरती से जवानों के त्याग और बलिदान को देश के सामने रखा, तो 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर का दौरा कर ये कहने से गुरेज नहीं किया कि परिवार से बढ़कर सेना के जवान हैं। तो आप लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, वो कौन सी भावना है, कौन सी प्रेरणा है कि जो आपको ये ताकत देती है? जब मैं आप लोगों से हाथ मिलाता हूँ तो आपको लगता होगा कि ये कोई फॉर्मेलिटी है। मेरे लिए फॉर्मेलिटी नहीं है, मुझे एकदम से ऊर्जा मिलती है, एक नई चेतना आ जाती, नई ताकत आ जाती। हर एक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जवानों का हौसला बढ़ाने का काम किया है। दिवाली के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के वीर सपूतों के साथ अलग ही बॉन्डिंग नजर आती है। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ से जवानों को मिठाई खिलाकर दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट किया।
ये 125 करोड़ देशवासियों के सपनों की सुरक्षा है, ये 125 करोड़ देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी तपस्या है और इसलिए आप सबके बीच आकर दिवाली की तातर वेला में मैं बहुत खुशी की अनुभूति करता हूं। शायद हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां दीपावली का पर्व बड़े उमंग उत्साह के साथ न मनाया। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी को सबसे ज्यादा तनावपूर्ण माना जाता है। यहां मौजूद सैनिकों को 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है क्योंकि सीमा पार से कभी भी आतंकी देश के अंदर दाखिल हो सकते हैं। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी एलओसी पर जवानों के साथ दिवाली मनाई। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने जम्मू कश्मीर के राजौर सेक्टर पहुंचे थे। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि दीपावली अपने परिवार जनों के बीच में मनानी चाहिए और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवार जनों के बीच में मनाऊं और इसलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवार जनों के बीच आया हूं। 1947 में देश के आजाद होने और फिर भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से अब तक देश के पश्चिमी बॉर्डर ने सबसे ज्यादा जंग देखी हैं। बीते 75 साल में भारत पाकिस्तान के बीच कई जंग हो चुकी हैं। इनमें से एक जंग की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, बैटल ऑफ लोंगेवाला, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही जवानों के साथ दिवाली मनाई। 1971 में हुई लोंगेवाला की जंग में शहीद हुए सैनिकों को याद किया, यहां तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया। राष्ट्र की समृद्धि आपसे है, राष्ट्र का शुभ लाभ आपसे है, राष्ट्र की रिद्धि सिद्धि आपसे है और आपके पराक्रम से है। इसलिए ही आज देश के हर घर में आप सभी का गौरवगान करते हुए आपके लिए दिया जलाकर लोग अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में सीमा पर तैनात जवानों, दुश्मन के साथ लड़ाई में शहीद हुए देश के वीर सपूतों के लिए खास जगह है। अलग अलग मौकों पर नजर आती है और अगर मौका दिवाली का हो तो तस्वीर ही कुछ और होती है। ऐसी ही तस्वीर 2021 में दिखाई दी। 2021 में दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा पहुंचे, जवानों को मिठाई खिलाई, साथ ही 1948 की जंग में शहीद हुए ब्रिगेडियर उस्मान को भी याद करना नहीं भूले, जिन्हें नौशेरा का शेर भी कहा जाता है। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से व्यतीत समय हो गया, लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं। मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं, ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमोबेश हर एक सेक्टर का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में करगिल को कैसे भूला जा सकता है।
2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर जवानों के चेहरे पर अलग ही चमक देखने को मिली। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव, यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। इस बार भी ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच होंगे, रोशनी के पर्व की बधाई देंगे, मुंह मीठा कराएंगे, हौसला बढ़ाएंगे। खास बात यह है, हमेशा की तरह जवानों का जोश हाई है, सरहद पर उल्लास का माहौल है। छोटी दिवाली के दिन से ही बड़ी दिवाली का एहसास होने लगा है।